हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनके एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में बीएसटीसी 2020 के बारे में कंप्लीट जानकारी आपको देने वाला हूं। आवेदन कब से स्टार्ट होंगे, आवेदन करने की लास्ट डेट क्या है, साथ ही साथ एग्जाम फॉर्म भरने की क्या फीस रहेगी, वो एडमिट कार्ड किस दिन जारी होंगे, एडमिट कार्ड जारी होने के बाद एग्जाम किस तिथि के दिन होगा, और एग्जाम जारी होने के बाद या रिजल्ट परिणाम जारी होने के बाद उसकी कट ऑफ क्या रहेगी, और उसके बाद में जो एडमिशन होते हैं वो किस डेट तक रहेगी, पूरी की पूरी जानकारी आपको इस एक वीडियो के अंदर दे दूंगा। तो चलिए सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि अभी तक बीएसटीसी के फॉर्म की नोटिफिकेशन है वो जारी नहीं हुई है। सूत्रों की मान्य है कि नोटिफिकेशन रिलीज है वो 10 मार्च 2020 के दिन जारी हो जाएगी। आप चाहो तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके प्रूफ देख सकते हो। अब रही बात कि उसका रजिस्ट्रेशन है वो कब स्टार्ट होगा, तो रजिस्ट्रेशन है वो 15 मार्च 2020 से आप एग्जाम फॉर्म है वो भरना स्टार्ट कर पाओगे। आप 15 मार्च के दिन आप फॉर्म भर सकते हो। उसके बाद में एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो क्या है, तो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो 22 अप्रैल है। 22 अप्रैल तक आपके फॉर्म है वो भर सकते हो, लेकिन फीस है वो 20 अप्रैल तक ही भरी जाएगी। उसके बाद में आपको कुछ फाइन वाइन देके अगर आप फॉर्म भरना चाहो तो भर सकते हो। अब एडमिट कार्ड अवेलेबल कब हो सकता है, जो एडमिट कार्ड है आपको डाउनलोड कब तक करना है, तो मैं आपको बता देता हूँ। एग्जाम से तकरीबन 10 या 12 दिन पहले हर किसी के एडमिट कार्ड है वो जारी हो जाते हैं। तो इस बार एसटीसी के जो एग्ज़ाम है वो 23 मई की डेट बताई जा रही है, तो 23 मई के 10 या 12 दिन पहले की बात करें तो तकरीबन 12 मई के दिन आपके जो एडमिट कार्ड है वो जारी होने के चांसेज है। दोस्तों इस बार एडमिट कार्ड है जो सिलेबस है वो काफ़ी टफ है, जिसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू सिलेबस की बात करें तो अब एग्ज़ाम डेट है 23 मई के दिन आपको एग्ज़ाम होगा, तकरीबन एग्ज़ाम 2 बजे के बीच में होने वाला है, और आपका जो रिजल्ट है वो 4-5 जुलाई के दिन जारी होगा। मई के बाद रिजल्ट कॉपी चेक करने का उनको मिल जाएगा तकरीबन पूरा जून और 1 सप्ताह तकरीबन 7 दिन, ऐसे करके तकरीबन उनको मिल जाएंगे 38 दिन कॉपी चेक करने के लिए। वो आसानी से 38 दिन में कॉपी चेक हो सकता है। उसके बाद में होगा ये कि 7-8 जुलाई के दिन एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आप लोग अपनी जो भी काउंसलिंग है वो करवाना चाहते हो तो करवा दो। तकरीबन 3,000 रुपये काउंसलिंग की फ़ीस है, और फॉरम की फ़ीस की बात करें तो तकरीबन 450 या 500 रुपये के लगभग फॉरम की फ़ीस रहने के चांसेज है। अब आपको सिलेबस की बात कर लेते हैं। मैं सिलेबस के लिए गया बीआरडी स्टडी की वेबसाइट पर, यहाँ पर आप लोगों को डिटेल से सिलेबस दे रखा है, और मैंने स्पेशली इस सिलेबस के लिए अपने चैनल पे एक वीडियो बना रखा है, उसका भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जाइए प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप यहाँ से बीएसटीसी 2020 की तैयारियाँ कर सकते हो। यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल निःशुल्क लाइव क्लास है जो प्रोवाइड करवा दी गई है, और आपको वही सवाल यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो हर साल एग्जाम के अंदर मिलते हैं। दोस्तों तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ के नेक्स्ट वीडियो का 2nd नंबर पार्ट का वेट कीजिए। यदि आपके मैथ, फिजिक, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स में किसी भी प्रकार के डाउट है तो आप जाए गूगल प्ले स्टोर से डाउट नाम की ऐप और व्हाट्सअप नंबर 8400400400 पर जाकर क्वेश्चन की पीछे क्लिक करके क्रॉप करके इन व्हाट्सअप नंबर पर सेंड कर सकते हो। आपके क्वेश्चन का मात्र 10 सेकंड के अंदर आंसर दे दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।